वहाँ में जो है हमारे देवास शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत वन मंडल कार्यालय के पास वाली गली में और रामनगर जो है की गली में दो चेन स्नैचिंग की घटनाएं घटित हुई थी। आप लोग भी मौके पर वहाँ पर पहुँचे थे और उसमें पुलिस ने तभी से इसको चुनौती को स्वीकार करते हुए इसमें हमारी टीम लगाई। हम लोगों ने जगह जगह के CCTV खंगाले और जो आरोपी का हमने हुलिया जो है डिटेक्ट किया उसके आधार पर हम लोगों ने और कुछ तकनीकी जानकारी के आधार पर हम लोगों ने इसमें पूरी तरह से टीम लगाकर लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसमें इसी प्रयास के दौरान हमको सफलता प्राप्त हुई और जानकारी मिली कि वो थुलिया का व्यक्ति जो है हमारा रेलवे यार्ड के आसपास में घूमता हुआ देखा गया। पुलिस ने टीम लगाई, टीम लगा के पुनः घेराबंदी करी और उस व्यक्ति को पकड़ के जब पूछताछ करी तो हमारी वो दोनों वारदातें जो है उससे खुलासा हुआ। उससे पूरा डिटेल पूछताछ करने पर उसने दोनों घटनाओं को स्वीकार किया और घटना में लूटी हुई एक चेन और एक मंगलसूत्र जो है आरोपी से पुलिस ने बरामद किया है। इससे अभी हम लोग अन्य मामलों की पूछताछ कर रहे हैं, अन्य ज़िले में या अन्य आसपास के ज़िलों में ऐसी जो चेन स्नैचिंग की घटनाएँ हुई हैं यह उसमें भी शामिल हो सकता है। पूर्व में भी इसके ऊपर 4 अपराध दर्ज हैं, आरोपी सातिर है, बदमाश है। क्या नाम और आरोपी जो है अल्फेस उर्फ राजा उर्फ पापी इसका उपनाम है और यह अनंत नगर क्षेत्र देवास का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 23 साल करीबन है और यह जो है थोड़ा नशा करने का आदि है, गांजा और शराब पीने का आदि है, जो नशे के लिए ही इस प्रकार की वारदात करना पाया गया है। सर इसके साथ में और कोई नहीं, यह अकेला था, इसके साथ में कोई अन्य साथी नहीं था। इसके द्वारा स्प्लेंडर वाहन का उपयोग इसमें घटना में किया गया, दोनों घटनाओं में इसने एक वाहन का उपयोग किया है और गली में महिलाओं को सुनसान स्थिति में देखकर अंधेरे का फ़ायदा उठा के एकदम चेन छीनकर भागने की इसका तरीका वारदात है और इसको जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। अन्य इसके कोई साथी रहे हों या अन्य घटनाओं में ये कहीं इन्वॉल्व रहा हो तो उसके लिए पुलिस इसमें पूछताछ में लगी हुई है।